नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे आईबीएन में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं नागपुर के ये जो वैरायटी चौक है, गांधी पुतला चौक है, वहाँ पे हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा आम आदमी पार्टी की ओर से यहाँ पे नीट परीक्षा में जो घोटाला हुआ उसके विरोध में यहाँ पे निदर्शन किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी की ओर से किस प्रकार से यहाँ पे निदर्शन किए जा रहे हैं। नीट परीक्षा में जो घोटाला हुआ उस परीक्षा को लेकर यहाँ पे जो है वो निदर्शन किया। नागपुर शहर आम आदमी पार्टी के अजिंक कड़म्बे जी जो अध्यक्ष है वो हमारे साथ में है, क्या बताना चाहोगे? नीट जो एग्जाम है उसमें घोटाला हुआ है। आप सबको, सबसे पहले तो आपके सारे चैनल्स के दर्शकों का नमस्कार और जय भीम। नीट एग्ज़ाम में घोटाला हुआ है, ये बहुत शर्मनाक बात है। मीन्स हम देखते हैं कि कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सारे सेलिब्रिटी से लेकर सारे लोग उसका ट्वीट करते हैं और ये करते हैं, बट इस इतनी बड़ी देश के इतने बड़े एग्ज़ाम में घोटाला हुआ है पर हम देखते हैं कि इसमें पूरे देश में कहीं इसका चर्चा नहीं है। बहुत ही कम चर्चा है, बहुत ही कम सेलिब्रिटीज़ है और बहुत ही कम लोग हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये मीन्स अब कोविड आता है, बड़े बड़े पेंडेमिक आते हैं देश में तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, पर उनके लिए एक शादी एग्ज़ाम कंडक्ट करनी हो तो उसका वो एग्ज़ाम ढंग से कंडक्ट नहीं कर पाते। 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था साहब, 1 लाख स्टूडेंट मीन्स 1 लाख जगह है पूरे देश में, उसमें से 60,000 तो इन्होंने सारा प्राइवेटाइज है जिसमें 1 से 1.25 करोड़ की फ़ीस लगती है। जो बच्चे गरीब घर से आते हैं, जो SC कम्युनिटी से आते हैं, जो ST कम्युनिटी से आते हैं, उनके लिए सिर्फ 40,000 सीटें हैं, उसमें भी इन लोगों ने ढंग से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा। मीन्स आज पूरे देश में लोग, बच्चे दिन भर मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और पता चलता है उनको कि इनका इस बार जो कट ऑफ था वो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता था कि हमने एग्ज़ाम, यानी नीट में क्या होता है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम यानी कोई क्वेश्चन आंसर देते हो उसका तो आपको +4 मार्क मिलते हैं, और आपने अगर उसका गलत आंसर दिया तो उसको -1 मार्क मिलते हैं, और उसने आपको अगर छोड़ दिया तो आपको 0 यानी उस पर मार्क नहीं गिने जाते। जैसे मान लो 7720 मार्क के एग्ज़ाम है, अगर किसी ने एक क्वेश्चन नहीं दिया तो उसको 716 मार्क मिलेंगे, बट पहली बार हुआ है इस एग्ज़ाम में 719 मार्क मिले बहुत सारे कैंडिडेट को। तो जब उनको ये सारी चीज़ें, जब बहुत सारे हॉल एग्ज़ाम मार्क्स में पता चला तो इन लोगों ने बोला कि हमने ग्रेस दिया है। अरे ग्रेस कैसे दिए है, यानी मीन्स इतनी बड़ी एग्ज़ाम है यार, आप पहली बार मीन्स उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट का हवाले दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने वो कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन थी उसके लिए उन्होंने ग्रेस मार्क का प्रोविजन किया था, ये तो ऑफलाइन एग्जाम है। आप क्या सेट कराना चाहते हो पूरे देश में? इसके पीछे कौन हो सकता है? इसके पीछे जो सिस्टम में बैठे हैं वही लोग हो सकते हैं, और आपने देखा होगा पिछले 10 साल से BJP सिस्टम में वही लोगों को बिठाती है जो उनके लिए आइडली हो, जो उनके लिए अच्छे लोग हो, वही लोगों को सिस्टम में बिठा के हमको ऐसा लगता है, पता नहीं वो सही होंगे या गलत, वो एक तरह की सोच वाले, वो एक तरह के मानसिकता वाले लोगों को सिस्टम में भर्ती कराना चाहते हैं। जो जिसने टॉप किया है नीट में, जिन्होंने टॉप किया है, क्या लगता है आपको कि क्या भविष्य है उनका? नहीं, जिन्होंने टॉप किया है शायद मेहनत करी होंगी, नहीं करी होंगी, ये अभी उनका है, बट ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम होती है साहब। हम MBBS की एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम होती है, इसमें एक नहीं सार लाखों बच्चे क्या बोलते हैं उसको अटेम्प्ट करते हैं, तो ये लाखों बच्चों का सवाल है, वो अकेले बच्चे का सवाल नहीं है, और ये कराने की जिम्मेदारी सरकार की, और हमारे देश में कैपेबिलिटी है। JEE की एग्ज़ाम होती है जिसमें मेन एडवांस होती है, अच्छे से रिजल्ट लग जाते हैं, सब बच्चे खुश रहते हैं। UPSC के एग्ज़ाम में आपने कभी देखा नहीं होगा कि पेपर लीक हो, बट ये ऐसी एग्ज़ाम में ही पेपर लीक होते हैं और इसके पीछे सारा का सारा पैसे का कनेक्शन होता है, तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि ये सारा पैसे के लिए तो नहीं हो रहा है। ये यानी कितना पैसा खर्चा करते हैं ये सिस्टम को गलत करने के लिए? अभी तो रेट चल रहे थे 30 लाख 35 लाख पेपर फूटी है ना। इसके पहले भी हमने आंदोलन करा था, हमने आपको बताया था कि तलाटी घोटाले में कैसे पैसे लिए गए हैं, तो इसमें इतने बड़े पैमाने में पैसे चलते हैं और क्या करेंगे साहब ऐसे पैसों का, जब ये बच्चों की हाई खाओगे तो पैसे आपके कुछ काम नहीं आएंगे। आपकी क्या मांग? हमारी मांग ये है कि सारे पेरेंट्स और बच्चों को जस्टिस मिले। अभी पहले बोल रही थी कि हमने 1500 लोगों को ग्रेस मार दिए, कभी बोल रहे 150 लोगों को ग्रेस मार दिए, अभी वो हमारी ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी इसकी जांच करे और जो भी स्टेटिस्टिक्स है, जो भी आंकड़े हैं, वो पब्लिक के सामने आए। देख सकते हैं आप, ये आम आदमी पार्टी की ओर से नागपुर के ये वैरायटी चौक पर गांधी जी का जो पुतला है वहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है, और नीट एग्जाम में जो घोटाला हुआ है उस
नीट एग्जाम को लेकर यहाँ पे आम आदमी पार्टी की ओर से यह आंदोलन किया जा रहा है? नहीं, तो पूरे देश में ये नीट के लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। तो आप देखते रहिए आईबीएम टीवी 9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार।